ये है दिल्ली दर्पण। मैन्युफैक्चरिंग से 10 करोड़ जॉब मिलना तो दूर, आज देश 5 दशक की सबसे ज्यादा बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है। रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए नहीं मिलना, आपके इलाके में मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। और इतने सारे भरोसा हमने मेक इन इंडिया का विनेश्वर अभियान चलाया है। 2014 में जो मैन्युफैक्चरिंग 17% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती थी, वो 2019 में कोविड से पहले 13.32% रह गए। हर गांव गली मोहल्ले में रोजगारी का अवसर पैदा हो और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए, ताकि शाम को अपने माँ बाप के पास जाकर के बैठ सके, माँ बाप के साथ सुख दुख बांट सके, माँ बाप के साथ बैठ सके, रुखी सुखी रोटी खा सके, ये हमें करना है। कि पूरे की झारखंड से हमारी माताएं बहने दिल्ली आकर रोजगार के लिए उनको मजबूर होना पड़ता है, दिल्ली आना पड़ता है। ये प्रेस वार्ता शुरू करने से पहले हम एक वीडियो देखेंगे। झारखंड की कई माताएं बहने दिल्ली के अंदर बर्तन साफ करने के लिए मजबूर हो जाती है। भाइयों बहनों, रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आपके इलाके में मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने मेक इन इंडिया का विनेश्वर अभियान चलाया है। हम चाहते हैं छोटे छोटे कारखानों का जाल मिटे, छोटे छोटे कारखाने लगे, हर गांव गली मोहल्ले में रोजगारी का अवसर पैदा हो और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए, ताकि शाम को अपने माँ बाप के पास जाकर के बैठ सके, माँ बाप के साथ सुख दुख बांट सके, माँ बाप के साथ बैठ करके रुखी सुखी रोटी खा सके, ये हमें करना है भाई। तो साथियों आपने देखा कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी कितने चिंतित थे कि पूरे की झारखंड से हमारी माताएं बहने दिल्ली आकर रोजगार के लिए उनको मजबूर होना पड़ता है, दिल्ली आना पड़ता है। पर आज स्थिति ये है 2023 में कि पूरे देश से लोग दिल्ली रोजगार ढूंढने आते हैं। आप यहाँ किसी टैक्सी ड्राइवर से मिलिए, किसी पनवाड़ी से बात कीजिए, या फिर घर में बर्तन मांझने वाले हमारे माताओं बहनों को पूछिए, वो सब दिल्ली के बाहर से हैं। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया नाम की स्कीम निकाली थी। इसके तहत 450 करोड़ प्लस खर्चा भी किया इसका प्रचार करने में, पर इसके दो एम थे। पहला एम यह था कि 2022 तक 25% कंट्रीब्यूशन होगा मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी को, और दूसरा एम था कि 10 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स उत्पन्न होंगी। पर इसके ठीक विपरीत क्या हुआ? 2014 में जो मैन्युफैक्चरिंग 17% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती थी, वो 2019 में कोविड से पहले 13.32% रह गई। कोविड के बाद ये आंकड़ा 2022 में 13.32% हो गया, 2019 में 13.6% थी और कोविड के बाद 2022 में 13.32% है। 2023 फिस्कल ईयर ऑलरेडी ऑन गोइंग है, इसके आंकड़े मार्च के बाद आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? आप देखिए, वर्ल्ड बैंक, ये जो ग्राफ है ये वर्ल्ड बैंक का डाटा है। एक और स्लाइड होगी विनोद भैया। ये दिखाता है कि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग बहुत संकट में है, लगातार गिरती जा रही है। ये दिखाता है कि 2022 में जो 13.32% मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूट कर रही है जीडीपी को, ये 1970s में ये आंकड़ा था आखिरी बार, यानी कि 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लिबरलाइजेशन के बाद जितना भी काम हुआ था वो सब नष्ट हो चुका है। 2018 में जब प्रधानमंत्री मोदी से
सवाल पूछा गया मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़ों को लेकर, तो उन्होंने जवाब दिया था कि पकोड़े तलना भी एक रोजगार है जो इन आंकड़ों में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। मैन्युफैक्चरिंग से 10 करोड़ जॉब मिलना तो दूर, आज देश 5 दशक की सबसे ज्यादा बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है। 2020 में इसके बाद भाजपा ने, केंद्र सरकार ने एक और स्कीम निकाली जिसका नाम दिया परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, PLI। आप सबने सुना होगा, सब जगह इसका प्रचार हुआ कि आप अगर देश में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो आपको सरकार सब्सिडी देगी। ये एक झूठ था, क्योंकि WTO रूल्स के मुताबिक परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव भारत में मैन्युफैक्चरिंग पर नहीं दिया जा सकता, सिर्फ असेंबली पर दिया जा सकता है। और देश में ऐसे कितने ही उद्योगपति हैं जो चाइना से माल इंपोर्ट कर यहां असेंबल कर पाए, इनकी संख्या बहुत कम है। तो इनकी PLI स्कीम भी बुरी तरह से फेल हो गई। फिर इसके बाद 2022 में एक निर्मला सीतारमण जी ने TV इंटरव्यू दिया था, वो भी देखना जरूरी है। I equally would want to know from the Indian industry, what is it that they are hesitant about even further? Since 2019, when I've taken charge of the finance ministry, I've been hearing, though the industry doesn't think it's conducive, all right, bring the rate down, all right, tax rate was brought down. And I keep defending industry, private sector, where even provocatively people have asked, what would you want to tell the private sector? We will do everything to get industry coming and investing here. Give PLI, we've given PLI. I want to hear from the Indian Inc. What's stopping you? When countries and industries abroad think this is the place to be in now, at this time, FDIs are coming, it's all, the stock market is so confident, the Indian retail investor believes in them. Is it like Hanuman, you don't believe in your own capacity, in your own strength, and has there got to be somebody, you know, standing next and say, hey, you're Hanuman, do it. And who's that person who's going to tell the Hanuman? It comes up. इसमें, इस वीडियो में भी 2022 में, देखिए ये तो, ये वीडियो देख के तो हर भाजपाई भी समझ जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग सच में आज भयावह स्थिति में है देश में, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी बार बार देश के, भारत के व्यापारियों से पूछ रही हैं कि आप यहां इन्वेस्ट क्यों नहीं करते। पर इस वीडियो में भी 3 झूठ बोले गए। पहला झूठ, उन्होंने कहा कि उन्होंने PLI दिया मैन्युफैक्चरर्स को। जैसा मैंने बताया, WTO के रूल्स सिर्फ असेंबलिंग, देश भारत में सिर्फ असेंबलिंग के ऊपर PLI दे सकते हैं, ना कि मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। दूसरा झूठ, उन्होंने कहा देश में लगातार FDI बढ़ रही है। देश में FDI 2004 से लेकर 2014 के बीच 2.4% थी, जबकि आज यह आंकड़ा 1.72% है। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो वैसे भी फॉरेन कंपनीज बैक्ड होती है, और फॉरेन कंपनीज अपना प्रॉफिट देश से ले जाती हैं, तो भारत में कोई कैपिटल जनरेशन नहीं होता। तीसरा झूठ उन्होंने बोला कि कॉरपोरेट टैक्स उन्होंने कम कर दिया। ये बात सच है, पर ये कॉरपोरेट टैक्स सिर्फ 0.1% व्यापारियों के ऊपर देश में लागू होता है। तो उन्होंने बार बार ये पूछा कि इंडिया इंक उनको बताए कि भारत के व्यापारी भारत में निवेश क्यों नहीं कर रहे। तो आम आदमी पार्टी आज उनको बताना चाहती है कि सबसे पहले तो वो झूठ बोलना बंद कर दें और समाधान की ओर चलें। हमारे देश में MSMEs, जो छोटा व्यापारी है, उसको मैन्युफैक्चरिंग की बैकबोन माना जाता है। वो देश में करीब 12 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। वो देश में जितना भी आज GDP में मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन है, ये कहना गलत नहीं होगा कि वो MSMEs की वजह से है। फिर भी भाजपा सरकार ने
लगातार इन एमएसएमईज को इग्नोर किया। भाजपा सरकार ने इन्वायरमेंट इतना खराब कर दिया भाजपा ने देश में कि आज व्यापारी किसी मुस्लिम को या किसी दलित को इंप्लॉय करने से डरता है। हालत यह हो चुकी है कि बीते 10 वर्ष में 16 लाख भारतीय अपनी नागरिकता छोड़कर देश से जा चुके हैं। हालत यह हो चुकी है कि 23,000 हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स अपना बिजनेस बंद कर देश छोड़कर जा चुके हैं। हालत यह हो चुकी है कि या तो आज व्यापारी अपना बिजनेस बंद करने को मजबूर हैं, बीते साल ही 10,000 एमएसएमईज और बंद हो गए। एमएसएमईज आर डाइंग विच इज वेरी डेंजरस फॉर द कंट्री, क्योंकि जितनी बिजनेस बंद होगा उतना बेरोजगारी और बढ़ेगी। फिर इतना कॉम्प्लिकेटेड टैक्स रिजीम कर दिया एमएसएमईज के लिए और इतनी ज्यादा लीगल कंप्लायंसेस कर दी एमएसएमईज के लिए कि या तो वो डाउन स्केल कर रहे हैं अपना बिजनेस या बिजनेस छोड़ बंद कर रहे हैं। आप सोचिए कि एक रिपोर्ट है अभी जुलाई 2023 में आई, जिसमें बताया गया कि अगर एक एमएसएमई के पास से 100 एम्प्लॉयज हैं तो उनको मिनिमम 500 टू 600 लीगल कंप्लायंसेस करनी होंगी। और हमारे देश में करीब 26,134 ऐसे क्लॉजेस हैं जो नॉन कंप्लायंस की वजह से एक बिजनेसमैन को जेल डाल सकते हैं। इस रिपोर्ट का नाम है जेल्ड फॉर डूइंग बिजनेस इन इंडिया। अगर ये बहुत नहीं था तो बची खुची कसर मुजफ्फरनगर के भाजपा एमएलए जैसे लोग पूरी कर देते हैं जो वसूली करना चाहते हैं एमएसएमई से, और वो नहीं अगर उनको पैसा देते तो वो लोगों को भड़काते हैं कि फैक्ट्री जला दो। और बची खुची कसर अगर ये 26,134 क्लॉजेस इनफ नहीं थे जिसके तहत जेल हो सकती है व्यापारी को, तो उन्होंने पीएमएलए जैसा लॉ ले आए, पीएमएलए जैसे लॉ में संशोधन कर दिया। इस संशोधन के तहत आपको बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी एविडेंस के जेल के अंदर एक लंबा टाइम रखा जा सकता है। सोचिए कल को केंद्र में ऐसी सरकार आ जाए जो कहे कि मुझे 1 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड में दो, नहीं तो मैं तुम पर पीएमएलए का केस लगा दूंगा। और तो और आपने हाल ही में एक बहुत ही अजीब केस देखा होगा जहां पर 2 लोगों की जमीन को एक भाजपा के उच्च अधिकारी ने कब्जाने की कोशिश की और वो दोनों लोग उस भाजपा उच्च अधिकारी के खिलाफ कोर्ट गए। तो भाजपा ने क्या किया, उनको ईडी का नोटिस भेज दिया। क्या मंशा है कि वो दोनों लोग अपना केस वापस ले ले और भाजपा के उच्च अधिकारी उनकी जमीन को कब्जा ले। तो इस तरह से लगातार पीएमएलए का दुरुपयोग हो रहा है। आप सोचिए उन दोनों के पास बैंक अकाउंट में 450 रुपए थे और ईडी के ऑफिस जाने के लिए भी उनको कर्जा लेना पड़ा। तो अगर भाजपा सीरियस है, जो मैन्युफैक्चरिंग का आंकड़ा 13.32% पहुंच गया है, तो एक क्वार्टर के रिजल्ट को इस तरह सेलिब्रेट ना करे कि हमने तो पूरी दुनिया को ही जैसे मैन्युफैक्चरिंग में पिछाड़ दिया हो। सच को अक्नॉलेज करें। और क्योंकि भाजपा में आज अभाव है लीगल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल ज्यूरिस्प्रूडेंस का, तो उनको अरविंद केजरीवाल जी को कंसल्ट करना चाहिए। उनको अरविंद केजरीवाल जी को कंसल्ट करना चाहिए क्योंकि जैसे दूसरी बार हमारी जब दिल्ली में सरकार बनी 2015 में, तो हमने उन्होंने आते ही वैट कम कर दिया, जिस वजह से रेवेन्यू जनरेशन हुआ, व्यापारियों का ट्रस्ट बढ़ा, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके टैक्स का पैसा अरविंद केजरीवाल जी की सरकार स्वास्थ्य में, हेल्थ में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंटल वर्क्स में लगाती है। तो उनका ट्रस्ट बढ़ा, वैट कम होने की वजह से वो भी पूरा टैक्स देने लगे, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिला, रेड कल्चर बिल्कुल बंद कर दिया दिल्ली में। पहले बहुत रेड्स होती थी, रेड कल्चर को बिल्कुल बंद कर दिया गया दिल्ली में, और इससे इन्वेस्टर का ट्रस्ट बढ़ा, इससे बिजनेसेस का ट्रस्ट बढ़ा। तो बहुत जरूरी है
कि मैन्युफैक्चरिंग को दोबारा से फोकस में लाया जाए, अरविंद केजरीवाल जी से केंद्र सरकार कंसल्ट करे ताकि मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़े और केंद्र सरकार को भ्रमित आंकड़े पेश करने की जरूरत ना हो और देश की करेंसी भी संभले। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।